मेघालय के इस ट्रिप में हम पांच लोग आए हैं और पांच में से मैं और मेरा एक भाई मेरे बाइक में है। अभी मैं जो बाइक चला रहा हूँ हिमालया 411 और ये मेरी बाइक नहीं है, तो मेरी हंटर 350 है। हंटर 350 आबरा डायरी लेके जा रहे हैं। उनका भी यूट्यूब चैनल है, उनका सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रोड देख सकते हो भाई कितना नेरो है, फिर भी बहुत सुंदर है यार प्लेस। और ये एक्सपल्स आगे चला गया तो एक्सपल्स भी हमारे साथ आए हैं, तो एक्सपल्स में दो भाई है और रोड को एंजॉय करो। देखो तो मैं फर्स्ट टाइम हिमालय चला रहा हूँ और ऊपर वाला वैली आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। वैली को देखो एक बार, ये देखो यहाँ पर भी हम फोटो खींच सकते थे पर रुके नहीं क्योंकि हमें जाना था लाइटलूम, तो वहाँ तक जाने के लिए इस रोड से पकड़े हैं हम लोग क्योंकि हम चेरापूंजी से होके आ रहे हैं। और ये देखो भाई, कभी कभी तेज चलाते हैं फिर नहीं चलाते क्योंकि रोड के बारे में उतना नहीं मालूम है यहाँ पर। और हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर इसकी वजह से। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो यार प्लीज़ डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। पर यह चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि और वीडियो बना सके। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मन करेगा कि हाँ वीडियो बनाते, अगर सब्सक्राइब ही नहीं आता तो भाई वीडियो बनाकर अच्छा भी नहीं लगेगा। अब लोकेशन देखो, आप अगर वहाँ पर जाते हो कैसे जाते हो ये सब बात मैं आपको दूसरे वीडियो पर पूरा डिटेल्स में बता दूँगा, क्योंकि आप लोग कहाँ से आते हो वो डिपेंड करता है। तो आपको जो ट्री देखने को दिख रहा है साइड में, देखो ये शायद पाइन ट्री है, नहीं पता मुझे क्या ट्री है पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और भाई गोप्रो का स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, और ये देखो और एक वैली आ गया, ये भी एक वैली है, वहाँ पर भी आप फोटो वगैरह खींच सकते हो। हम गए नहीं वहाँ पर क्योंकि इतना दूर हमें जाना नहीं था और हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। और खैर भाई काफ़ी सारे ड्यूब्स वगैरह यहाँ पर आते हैं और बहुत लोग आते हैं, आपको बाद में पता चल जाएगा वीडियो एंड तक देखोगे तो, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। और ये देखो, तो गाइस वीडियो भी एंजॉय करो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। आप कभी भी शोहरा आते हो मेघालय में तो ये होटल मिस मत करना, इस होटल से व्यू कुछ ऐसा है, आपको होटल से ही आपको दिख जाएगा सुंदर व्यू। और इस जगह के बारे में क्या ही बोला, बहुत ही सुंदर है गाइस। और यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आए हैं और यहाँ पर खाना भी वेज अगर खाते हो आप बहुत ही अच्छा मिल जाएगा क्योंकि हर कोई नॉन वेज तो नहीं है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाटरफॉल है, काफ़ी दूर है, दूर की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा क्लियर, तो सब क्लाउडी क्लाउडी है, क्लाउडी के वजह से यार कुछ दिख भी नहीं रहा था सुंदर से तो नहीं देख पाए। तो होटल आपको दिखाता हूँ, ये देखिए होटल कुछ ऐसा है, बस थोड़ा सा झलक देख लीजिए। और इसके अपोजिट भी एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट पर हेलो गाइस, तो हम देखिए इस प्लेस पे आ गए हैं, तो प्लेस कुछ ऐसा है। तो गाइस ये प्लेस देख सकते हैं गाइस, बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगा। तो ये देखिए वादी, क्या सुंदर वादी है। इस कैनन का नज़ारा भी सुंदर है, लेफ्ट में घर दिख रहा होगा आपको और नीचे रिवर, एक और रिवर देखिए बहुत नीचे है और हैज है क्लाउड है। यहाँ पर हमारे अलावा और भी टूरिस्ट आए हुए हर जगह, यहाँ पर टूरिस्ट दिख रहा है आपको तो जो भी आते हैं। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, और ये देखो अब और मैं नीचे रिवर दिखाता हूँ कितना नीचे है, जूम इन कर गए तो ये देखो, और बहुत तेज़ हवा चल रही है तो इसीलिए ऐसे लग रहा है आपको। ये देखिए रिवर काफ़ी नीचे है, पहाड़ आपको दिख रहा होगा धुंधला धुंधला, इतना जूम भी नहीं है मेरे मोबाइल पर इसीलिए अच्छे से नहीं दिखा पाया। तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज। इस लाइटलूम कैनन के लिए हम लोग काफ़ी देर वेट किए हैं, वेट करने के बाद आज देख सकते हो आप ये ड्रोन है कोई उड़ा रहे हैं। और इस व्यू को देखने के लिए भाई बहुत इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि आपको जो क्लाउड दिख रहा है क्लाउड से पूरा ढका हुआ था, ये पूरा कवर्ड था, अब कवर्ड हट गया तो इसके लिए हमको बहुत टाइम लग गया। और ये देख सकते हैं व्यू कुछ ऐसा है, व्यू बहुत सुंदर है गाइज। अगर आप लाइटलूम आते हो तो यहाँ ज़रूर आना। और हम बाइक वहाँ पर पार्क कर चुके हैं करने के बाद, ये देखो ये बंदा अगर गिरता है ना यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत नीचे है। और ये जो पहाड़ आपको दिख रहा
पहाड़ का नजारा भी बहुत सुंदर है। और अगर आप यहाँ पर गाइस ये देखो प्लेस कुछ अच्छा दिख रही है। और ये देखो दो आदमी है पर प्राइवेसी को किसी को नहीं उठाना है। हालांकि देखो इधर घोड़े है काफी सारे और ये पे आप चढ़ सकते हो। देखो सामने घोड़े है, घोड़े पे चढ़ सकते हो। और ये धूप देखो कितना क्लियर है, मतलब हेज देख रहे हैं आपको, देखिए और बहुत ज़्यादा ठंड है इस जगह पे। तो ये देखो, तो हम लोग चाय पियेंगे अभी थोड़ा। तो चाय कितना रुपया? यस ना है चाय पी के। तो गाइस तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो ये देखो सभी बैठे हैं